सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी भी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 12:11 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:35 से 2:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मीन राशि 27 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन शारीरिक आनंद के चक्कर में ना पड़ें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और सलाह को जरूर आत्मसात करें। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, आज वह किसी की मध्यस्थता से हल हो सकती है। कोई यात्रा भी संभव है। हड़बड़ी में किया गया काम दोबारा करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ उत्पन्न हुए मतभेद को दूर करने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन आप अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। पैसों से संबंधित नुकसान को दूर करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। नए कर्जे या किसी से उधार लेकर काम को आगे बढ़ाने की गलती ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार काम का विस्तार करें। एकदम ली गई बड़े रिस्क नुकसान कर सकती है। पार्टनर्स अपनी ही बातों पर अड़े रहेंगे, इस वजह से विवाद हो सकते हैं। अचानक से वजन बढ़ने की संभावना बन रही है। सावधानियां, कोई नकारात्मक समाचार मिलने से मन कुछ व्यथित रहेगा, परंतु जल्द ही आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेंगे। घर के बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति ज्यादा सजग रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ व्यतीत करने से संबंधों में मधुरता आएगी, परंतु संबंधों में भी नजदीकियां रहेगी। आपके काम या जीवन के अन्य चीजों के तनाव से आपका रिश्ता आज प्रभावित होगा। आज छोटे छोटे नाकाफी से मुद्दे भी अचानक महत्वपूर्ण हो उठेंगे। इससे आपके संबंध में एक छोटी सी बात पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अगर आप अकेले हैं तो अपने लिए कुछ रिलैक्सिंग कार्यकलापों की योजना बनाएं जो आप खुद कर सकें। किसी से बातचीत ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको गलत समझा जा सकता है। बात करते हैं करियर की। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सकें। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर उचित समय नहीं दे पाएंगे। कार्य क्षेत्र में गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। ध्यान रखें, किसी अन्य व्यक्ति की वजह से कर्मचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है। नौकरी में नई भावनाएं मिलेगी, साथ ही कार्यभार भी बढ़ेगा। बात करते हैं सेहत की।
इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती है। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत है, और आज आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा, जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे, बल्कि आपके जीवन शैली के ही कारण था। आज का उपाय, आज आप तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।